नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। सांसदों के मुंह से आने वाली गंदगी साफ करें पीएम। तंबाकू के समर्थन में अपने सांसद दिलीप गांधी के बयान पर भाजपा की चुप्पी को लेकर शिवसेना ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने सड़कों की गंदगी साफ करने के लिए हाथ में झाड़ू ले लिया है, लेकिन लोगों के मुंह से निकलने वाली गंदगी को कौन साफ करेगा। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में कहा कि तंबाकू सेवन से कैंसर नहीं होने संबंधी आश्चर्यजनक खोज करने के लिए दिलीप गांधी को नोबेल पुरस्कार दिए जाने की जरूरत है। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी में ब्याज दर में बदलाव नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने मंगलवार को नीतिगत ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया। वह देखना चाहते हैं कि खाद्य मुद्रास्फीति पर हाल की बेमौसम बारिश का क्या असर रहता है। साथ ही वह यह भी चाहते हैं कि रेपो दर में पिछली कटौतियों का फायदा उपभोक्ताओं को दें। रेपो दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को तात्कालिक आवश्यकता के लिए नकदी उधार देता है। रेपो दर इस समय 7.5% है। रिजर्व बैंक ने CRR में कोई बदलाव नहीं किया और वह 4% पर बना रहेगा। पाश्चात्य कपड़े ही बलात्कार की वजह, गोवा के मंत्री धावलीकर ने कहा। गोवा के मंत्री दीपक धावलीकर ने अपनी पत्नी के बयान का समर्थन करते हुए मंगलवार को कहा कि लोग आजकल जिस तरह के कपड़े पहनते हैं उससे बलात्कार की घटनाओं को बढ़ावा मिलता है। उनकी पत्नी लता ने यह कहकर विवाद पैदा कर दिया था कि बलात्कार के मामले इसलिए बढ़ रहे हैं कि महिलाएं पश्चिमी संस्कृति की नकल कर रही हैं। धावलीकर ने कहा कि लड़कियां जब हिंदू संस्कृति का अनुसरण करती थी तो बलात्कार की घटनाएं नहीं होती थी। अब लोगों के रहन सहन और कपड़ों का तरीका बदल गया और आप देख सकते हैं कि बलात्कार की घटनाएं किस तरह से बढ़ रही हैं। आंध्र प्रदेश में 20 चंदन तस्कर मार गिराए। पुलिस के साथ मंगलवार को भीषण मुठभेड़ में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में 20 चंदन तस्कर मारे गए। गोलीबारी में पुलिस के कुछ जवान और वनकर्मी घायल हुए हैं। यह घटना चित्तूर के चंद्रगिरी मंडल के शेषाचलम वन क्षेत्र में 2 स्थानों पर हुई। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक RP ठाकुर ने बताया कि तस्कर चंदन की लकड़ियां लेकर जा रहे थे। उन्होंने हथियारों से हमला किया। उन्होंने जवानों पर पथराव भी किया। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। योग गुरु विक्रम चौधरी बोले, महिलाएं मुझे प्यार करती हैं। 6 पूर्व छात्राओं द्वारा लगाए गए बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे भारतीय अमेरिकी योग गुरु ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वह किसी के भी साथ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि महिलाएं उन्हें प्यार करती हैं। विक्रम योगा नामक अभ्यास के संस्थापक 69 वर्षीय विक्रम चौधरी ने कहा कि उन्होंने कभी महिलाओं का उत्पीड़न नहीं किया। वे अपने वकीलों के प्रभाव में आकर उन पर आरोप लगा रही हैं। चौधरी ने कहा, मैं दुनिया को सच बताना चाहता हूं कि महिलाएं मुझे पसंद करती है, मुझे प्यार करती हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए www.webdunia.com। नमस्कार।